और सुखी भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई साहब, आप बताओ कब आए मंडी में? कल आए थे भाई साहब। क्या नाम है अपना, एक बार नाम बताओ। नाम सुखी तालीवाल। और आपका नाम क्या है? तालीवाल हॉर्स फार्म आदमपुरा। तालीवाल? हाँ भैया। और कहाँ पे पड़ता है अपना ये फार्म? ये डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में है। ओके। लेकिन है इधर मोगा वाली साइड को। मोगा वाली साइड जी। क्या बात है, आपकी माल कम लेके आए हो, क्या बात है? नहीं, माल लेके आए थे, 10-12 जानवर थे। अच्छा, उनमें से ये 6 रह गए। आधे तो उतरते ही उसी दिन ले जाते हैं। आधे तो उसी दिन हो गए थे। सब बच्चे बच्चे लाए थे? हाँ, सब बच्चे थे, एक घोड़ा था। अच्छा, दो बड़े बच्चे थे। तो ऐसा क्यों कि बच्चे बच्चे लेके आए? ज्यादा बच्चे ज्यादा बिकते इस मंडी में? इस मंडी का हिसाब कुछ ऐसा था ना कि जितने फोन आ रहे थे बच्चों के ही आ रहे थे, कि बच्चों के आ रहे थे, इसीलिए बच्चे ले आए। तो कौन फोन कर रहा था? व्यापारी? व्यापारी यूपी वाले, बरेली वाले। तो आपने पूछा ना कि यूपी में मेले तो लगेंगे नहीं, तो भाई माल कहाँ लेके जाओगे? नहीं, वो उनकी अपनी होगी ना, कि घर पे बेचते होंगे, जहाँ कोई मेले भी हो सकता है, कुछ ना कुछ सेटिंग बनी हुई, सेटिंग तो बनी होती है ना। तो अभी घर पे अपने और क्या क्या माल है? घर पे अपने घोड़ियाँ हैं, बच्चे हैं, सभी नुकरे हैं और बच्चियाँ हैं। तो कितने हैं घर पे अभी? घर पे होंगे अभी 25-26 जानवर तो होंगे। सब नुकरे? सब नुकरे, नुकरों की फैक्ट्री है अपनी। तो ये बच्चा आया ना? हाँ जी। क्या उम्र की बच्चे की अभी? ये होगा 8 महीने का। 8 महीने का? हाँ। क्या रेट लगा रहे हो उसका? रेट 70,000 रुपये। 70,000? हाँ। थोड़ा सा फुलकारी में है ना? हाँ जी, फुलकारी में। ओके। और ये वाला बच्चा? ये वाला बच्चा भी होगा मान के चलो 8-9 महीने का। 8-9 महीने का? हाँ। थोड़ा इसका फेस दिखाना। नहीं, नुकरे नुकरे समझ में आ जाता, आपको तो समझ में आ जाते होंगे। हाँ हाँ, नुकरे का तो हिसाब पता लग जाता है। क्या उम्र बताई इसकी? 8-9 महीने का। 8-9 महीने का। हाँ। क्या रेट लगा रहे उसका? 1.25 लाख इसका। 1.25 लाख? हाँ। अभी तक कोई नुकरा बेचा है क्या? हाँ, बेच दिया भाई साहब। कितने बेचे? 6 बेचे, एक घोड़ा था मज्जू के लैन का। अच्छा। और 5 बच्चे बेचे। किस रेट, क्या रेट चल रहा है आपकी? थोड़ा महंगा चल रहा है पहले से कि सस्ता है? नहीं, पहले से तो महंगा ही है। कितना महंगा हुआ है? मान के चलो जो पहले बिकता 60-70 का, वो 1,00,000 के करीब बिक रहा है। 1,00,000 के करीब? हाँ। तो अभी अपने कितने कितने में दिए? कोई 1,00,000 का ही दिया है, कोई 90 का, और एक घोड़ा दिया है वो 85 का दिया है। 85 का? हाँ, एक 1,00,000 के बाहर दिया, 1.25 लाख का दिया। कैश पेमेंट रहता है कि किस्तों पे रहता है? कैश ही रहता है। कुछ लोग जो जान पहचान वाले होते हैं वो बाद में डाल देते हैं। किस्तों पे भी देते हो क्या घोड़ा? हो सकता है जैसा टाइम आगे आ रहा है किस्तों पे चल पड़े। किस्तों पे चल पड़े है ना? क्योंकि महंगाई बहुत हो रही है ना? बहुत हो रही है। ये भी बच्चा है ना? हाँ जी। ये क्या उम्र होगी इसकी? ये होगा 9.5 महीने का। 9.5 महीने का? हाँ। किस घोड़े का बच्चा है ये? बाकरपुल वाले नूरे का है। नूरे का? हाँ। क्या रेट लगा रहे इसका? 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए? हाँ। ये बच्चा? ये बच्चा है कल्ला वाले घोड़े का, चेतक का। चेतक का? चेतक का। हाँ। ओके। क्या उम्र है इसकी? ये भी यही 8-9 महीने के। यानी एक साल के अंदर अंदर के बच्चे? हाँ, बच्चे हाँ, सभी बच्चे एक साल के अंदर के। क्या रेट लगा रहे हैं उसका? इसका 1.25 लाख। 1.25 लाख? हाँ। तो जैसे उम्र के, जैसे माने चलो सेम उम्र के बच्चे हैं ना? हाँ। तो फिर रेट का कैसे करते हो, यानी कि उसकी कंडीशन के हिसाब से घोड़े? क्वालिटी के हिसाब से कंडीशन। कोई घोड़ा मान के चलो अच्छा बनने वाला है बड़ा। अच्छा। तो उस हिसाब से पैसा लगाते हैं। ओके। और इसकी क्या उम्र होगी? ये होगा 7-7.5 महीने का। इसके क्या रेट लगा रहे हो? इसका 1.25 लाख। 1.25 लाख? और ये भी बच्चा ही है? हाँ, ये भी बच्चा है। इसकी क्या उम्र है? ये होगा 10 महीने के करीब। 10 महीने का? हाँ। इसका क्या रेट लगा रहे हो? इसका 1.5 लाख मार। 1.5 लाख रुपये? हाँ। तो जैसे आप जो नुकरे बच्चे होते हैं उसमें क्या देखते हो, यानी कि सबसे मेन, यानी पहले मान के चलो मेरे पास में नुकरा बच्चा है भी। हाँ। तो आप क्या देख के लेते हो और क्या देख के उसकी रेट डिसाइड करते हो कि भाई? पहले नंबर पे तो ये देखते हैं कि व्यापारी को कैसा चलता है। अच्छा। क्योंकि जो बिकने वाला होता है वो तो व्यापारी के हिसाब से लेना पड़ता है। ओके। जो रखने वाला होता है वो तो कुछ टाइम घर पे भी खड़ जाएगा, तो भी कोई चक्कर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जैसे अभी घर पे हैं 5-6 बच्चे अच्छे हैं घोड़े बनने वाले, वो अगर ज़्यादा भी 10-20 हज़ार ज़्यादा भी लग जाए तो कोई। तो जैसे मान के चलो कोई बच्चा आपके पास 5 महीने खड़ा रह गया जी, तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि चलो यार आप सोचते हो कि यार 5 महीने रह गया, चलो ठीक है थोड़ा सस्ते में दे दो? यानी नहीं, हमारे पास 5 महीने जो रखने वाला है वही खड़ेगा, दूसरा नहीं खड़ेगा। ऐसा क्यों निकल जाता है? हाँ, वैसे तो बात जो मेरे को लगता है यूपी के व्यापारियों को सबसे ज़्यादा माल आप ही देते हो, लगता तो ऐसे ही है, बाकी वो अपना अपना हिसाब अपना अपना ही। हाँ। वैसे घर से ले जाते हैं क्या? हाँ, घर से भी ले जाते हैं। मेरे को लगता है कुछ व्यापारी तो यहाँ से मंडी खत्म होने के बाद आपके घर ही जाने वाले। हाँ, घर चले जाते हैं। है ना? हाँ, चले घर से माल लेके जाएंगे। हाँ, घर पे भी आ जाते हैं।
तो बाकी कैसा व्यापारियों का क्या परेशान है, कैसे क्या रुझान है मंडी नहीं लगने से? नहीं, मंडी नहीं लगने से व्यापारी तो सभी परेशान है। यूपी वाले तो बेचारे रोड पे आगे क्या कहे हैं। अच्छा, किसी ने समोसे का ठेला और किसी ने चाय का ठेला खोल लिया, वही तो बात है ना। ये काम अच्छा था। अब जैसे मंडी सब जगह खुल गई है तो मेरे को लगता है क्यों ना यूपी में भी मंडी खुल जानी चाहिए। खुल जानी चाहिए, अधिकतर व्यापारी यूपी का ही है तो उनका भी काम थोड़ा सा चले। अगर ये धंधा आगे बढ़ाना है तो मंडी तो खोलनी पड़ेगी, क्योंकि 2 साल के करीब हो गया। अब 2 साल क्या है कि हिम्मत रखना, हाँ, बहुत कम लोगों के बस की बात है कि हिम्मत टूट जाती है। बिल्कुल, क्योंकि व्यापारी का तो क्या हिसाब रहता है कि उन्हीं पैसों से उसका पूरा जीवन यापन चलता है। वही तो बात है ना। और वो एक लाइन बनी होती है, अब लाइन पटरी से गाड़ी ले गई तो वो खींच चढ़ेगी, बात ये वो तो है ही है। हाँ। तो व्यापारी सही आया वैसे मंडी? हाँ, व्यापारी अच्छा है। तो क्या किसकी ज्यादा डिमांड है, बच्चों की के बच्चों की? बच्चों नौकरे बच्चों की ज्यादा। बच्चे और बच्चियों की रेट में कितना, मान के चलो ये अभी बच्चा है, क्या रेट बताई थी इसने आपने? 1.5 लाख रुपए। अगर ये बच्ची होती तो हमारे हिसाब से तो इतने की बच्ची थी, इतने की बच्ची। हाँ, यानी बच्चा बच्ची की रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं? नहीं ज्यादा, जो अच्छा है उसमें तो कुछ ज्यादा नहीं। अच्छा भाई, रेट में डिफरेंस तो हो जाता है अगर बच्ची वो तो हो जाता है अगर अच्छे, मान के चलो हर बच्चा आसान नहीं बनता। हाँ। और हर बच्ची अच्छी नहीं बनती। तो शान बच्चे में क्या क्वालिटी होनी चाहिए नौकरे में? शान बच्चे में तो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, पहले नंबर पे माँ बाप अच्छा होना चाहिए। अगर माँ बाप अच्छा है तो आगे वो रिजल्ट अच्छा करेगा। तो आपको मेले नहीं लगने से आपको तो कोई नुकसान है नहीं? नहीं, नुकसान तो कोई नहीं है, घर पे भी अच्छे बिकते हैं, लेकिन व्यापारियों का तो नुकसान है ना, जो बाहर से आते हैं। हाँ। वो हमारे तो बिक ही जाते हैं लेकिन उनका बहुत नुकसान है। तो आपके 10-12 बच्चे लेके आए थे? हाँ, आधे मेरे को लगता है। हाँ, आधे बिक गए, बस आधे रहे। ओके। हाँ, पैसा आ गया कि नहीं आया सबों का कैश में? पैसा आया कि नहीं आया सबों का? पैसा तो कुछ का आया कुछ का नहीं आया, कुछ का अकाउंट में। अकाउंट में? हाँ। तो जो भरोसेमंद लोग होते होंगे उन्हीं को देते होंगे खाली उधार, है ना? हाँ, वही है ना, जो भरोसे हमारे पास आते हैं पहले से उनको ही। तो कितने दिन में पैसा वापस कर देते हैं फिर? यानी कि मान के चलो 15-20 दिन में कर देते। अच्छा, पहुंचने के बाद? हाँ हाँ, पहुंचने के बाद। चलो भाई, तो यूपी के जो भी लोग हैं वो भी यूपी में कोशिश करें, सरकार को ज्ञापन वगैरह देके और मंडी लगवाएं, क्योंकि मेरे को लगता है कि यूपी के जो लोग हैं वो हमारे सबसे सुस्त लोग हैं। वही बात है, क्योंकि बेचारे जो व्यापारी है वो तो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, बाकी यूपी में किसी को कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं, सब जगह के लोग थोड़े हाथ पैर मारते मंडी लगे, पर यूपी का आदमी बिल्कुल ठंडा है। और जब सरकारों की रैलियां वगैरह चल रही है तो मंडी तो लगनी, भाई थोड़ा ठंडे ना रहे। तो जिससे क्या है, अगर सभी थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से ही कुछ काम होने वाला है। तो सारे लोग कोशिश करें और कोशिश यूपी में दोबारा मंडी लगवाने का कष्ट करें, जिससे बेचारे व्यापारियों का भला हो जाए। भला हो, बिल्कुल। क्या नाम है सुक्की भाई? अपना नाम बता दो एक बार, गांव का नाम और एक मोबाइल नंबर बता दो। नाम है मेरा सुक्की तालीवाल। ओके। और गांव का नाम है आदमपुरा, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा में है। ओके। और फ़ोन नंबर है 9417775673। तो नुकरे, घोड़ा घोड़ी, बच्चे नुकरे में है ना? हाँ, नुकरे में। कुछ भी लेना चाहो नुकरे में तो आप भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।